हेलो दोस्तों, आज खड़े हैं हम टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट के सामने। तो आइए आज देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आपको भैया इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको यहां से देख सकते हैं भैया फ्रंट में 170 NM का टॉर्क जनरेट करने वाली ये गाड़ी। और आप लुक वाइज देख सकते हैं 2023 का ये नया टाटा का टॉप स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट। फ्रंट से गाड़ी का लुक जो है कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं भैया। और इसमें भैया बहुत सारी चेंजेस जो है की गई हैं, जो इसके पिछली वाली टाटा XMS, XM और XM प्लस ये सब आती थी, तो इसमें फियरलेस स्मार्ट ये सब आ गई हैं। तो ये है स्मार्ट प्लस एस, जो कि एक बेस मॉडल के ऊपर वाला मॉडल है। और यहाँ पे आप जैसे ही लॉक अनलॉक फॉलो मी करते हैं तो ये लाइटिंग जो है कुछ इस तरह से जलती है, ऊपर की तरफ DRL लगी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बढ़िया सी एक DRL लगी है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक निकल के आता है। प्रोजेक्टर यहाँ पे आपको हेडलैम्प मिलते हैं, वाइट कलर के LED हेडलैम्प हैं और LED वाले लाइट्स यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स के ऑप्शन नहीं मिलते, बाकी लाइटिंग यहाँ काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है भाई गाड़ी में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और टायर की साइज़ की बात करें तो 16 इंच के स्टील वाले रिम मिलते हैं डिस्क ब्रेक के साथ। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल मिरर जो है यहाँ पे नहीं मिलता, आपको मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा। और लॉकिंग की बात करें तो देखिए, लॉक अनलॉक करने में कोई फोल्ड अनफोल्ड नहीं होता। डोर में यहाँ पे कोई भी क्रोम आपको नहीं मिलता है, ब्लैक कलर का एक डोर ओपनर मिलता है। यहाँ पीछे की तरफ भी सेम है। और यहाँ पीछे की तरफ ड्रम वाले ब्रेक मिलते हैं स्टील वाले रिम के साथ। पीछे की लाइटिंग की बात करें तो पूरी कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती हैं रेड कलर की, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये पीछे भाई टाटा नेक्सॉन का लोगो, पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं नीचे की तरफ, जो कि आप दो सेंसर यहाँ मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छे स्मार्टली वर्क करते हैं। नेक्सॉन का यहाँ पे लोगो मिलता है, टाटा का लोगो, और पीछे कनेक्टेड लाइट। वाइपर की बात करें तो इस मॉडल में आपको वाइपर नहीं मिलता, जो कि यहाँ ऊपर छुपा रहता है, तो इसमें वाइपर नहीं है। और बाकी लुक जो है इस तरह से यहाँ पे मिलता है स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट। एंड पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर, यहाँ पे देखेंगे शार्क फिन एंटीना, ऊपर की तरफ रूफ रेल लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और ये अपडेटेड मॉडल है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इंटीरियर में भी, हमें भी दिखाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ। तो आइए दोस्तों, अब गाड़ी के अंदर भी चलेंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं आप गाड़ी में काफ़ी अच्छा लुक जो है यहाँ से निकल करके आता है। और टाटा नेक्सॉन एक मजबूती की पेशकश है भाई, तो आप इसको लेने के बाद कहेंगे कि हाँ भाई मजबूत गाड़ी तो है, मजबूती लोहा है एकदम। तो आइए अभी यहाँ पे देख सकते हैं, वेरिएंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, स्मार्ट प्लस एस का वेरिएंट नेम लिखा है। तो आप देख सकते हैं अभी गाड़ी के अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली। तो गाड़ी का इंटीरियर जो कि मेन पार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट ओपनिंग सेंसर नहीं मिलता, डायरेक्ट डोर को ओपन करके हम यहाँ पे चारों पावर विंडो डाउन अप मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। और चाइल्ड लॉक का बटन मिल जाता है, और कोई भी क्रोम यहाँ पे नहीं मिलता, ट्विटर का ऑप्शन है। और यहाँ पे ऑटो फोल्डर मिरर का ऑप्शन वर्क नहीं करता, जो कि सिर्फ आप ORVM कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकली ORVM कंट्रोल से यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो फोल्डर मिरर नहीं मिलेगा आपको, मैन्युअली आपको मिरर फोल्ड करना पड़ेगा, और ORVMs कंट्रोल कर सकते हैं। दैन इसके बाद यहाँ पे अंदर चलते हैं तो देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी इंटीरियर के डैशबोर्ड में काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं। तो जैसे कि की की बात करें तो वहीं पुराने वाले नेक्सॉन की मिलती है इस मॉडल में। एंड डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे भैया जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं तो इस तरह से डिटेलिंग मिलती है। तो आप देख सकते हैं भैया स्टेयरिंग में काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स दिए गए हैं, अच्छे लुक वाइज क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें। फ्रंट में आप यहाँ पे नीचे आप स्टेयरिंग को टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक आप नहीं कर सकते, ऊपर नीचे अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं स्टेयरिंग को। एंड यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल, हेडलाइट कंट्रोल, सामने छोटा सा डिस्प्ले। तो इसको एक बार आपको हम ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट में एक अच्छी सी स्क्रीन वाली लुक आती है। यहाँ पे AC के इवेंट्स नॉर्मल प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, एक छोटा सा सेमी एंड्रॉयड डिस्प्ले है। एंड AC के कंट्रोल्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअली AC के कंट्रोल मिलते हैं, ऑटोमेटिक AC नहीं है। फिफ्थ मैनुअल ट्रांसमिशन गियर मिलते हैं आपको, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, USB। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे तीन ड्राइविंग मोड मिलते हैं, सिटी, स्पोर्ट और इको मोड। यहाँ पे आप एक मिरर पा सकते हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तो 2 एयरबैग ऑप्शन ऑफ मिलता है। और ये आप यहाँ पे अपने सनरूफ को ओपन करने का ऑप्शन, जो कि कुछ इस तरह से है, और बंद करने का ऑप्शन भी। यहाँ पे लाइटिंग मिल जाती है, छोटी सी LED लाइट। एंड 6 एयरबैग आपको इसमें मिलते हैं। यहाँ पे आपको भैया ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक बढ़िया अच्छा सा
स्पेस मिल जाता है इस ग्लव बॉक्स में। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको हैंड रेस्ट मिल जाती है, जो कि हेड रेस्ट इसमें नहीं मिलती, आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। एंड सीट की बात करें तो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग्जरी टाइप की लगती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं है, सीट अनफोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, हैंड ब्रेक। एंड पीछे की तरफ चल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डोर में आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे एसी नहीं मिलता, बैक में कुछ सामान कैरी करने का ऑप्शन है। बैक से इंटीरियर को देखें तो इस तरह से लुक जो है गाड़ी का निकल करके आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीछे की तरफ कोई कप होल्डर नहीं मिलता, आपको हेडरेस्ट दो मिल जाते हैं बैक में भी। पीछे पार्सल ट्रेन नहीं है, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो कि इस तरह से मिलते हैं, और वही फैब्रिक वाली सीट्स, यहाँ पे कोई भी कप होल्डर नहीं दिया गया है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाई। तो अब आप बताइए कि गाड़ी कैसी लगी आपको। पीछे की तरफ वही आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को, अगर गाड़ी का रिव्यू अच्छा लगा हो। ऐसे ही हम वॉक अराउंड करते रहते हैं इस चैनल पे।